फोन को अनलॉक करेंगे, सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले नेस्ट करना है, नेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कनेक्टिंग वाईफाई कह रहा है, तो हमें कोई भी हॉटस्पॉट जो है वो कनेक्ट करना है। पहले स्किप पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे जो है अपना वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। जो ट्रिक बता रहा हूँ ये मार्च 2024 का सिक्योरिटी जो है उसको अनलॉक करने का तरीका है ये, एंड्रॉइड 13। उसके बाद में हमें जो है इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे जो है इसमें जाना है स्टेटमेंट और पॉलिसी में। यहाँ जाने के बाद में जो है हमें ढूंढना है अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो एक बार ओपन हो जाए, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से जो अबाउट दिस स्टेटमेंट में क्लिक करना है, यहाँ पे हमें मोटरोला का साइट जो है फाइंड करना है। हमें मोटरोला के साइड में एंटर होना है। तो जैसे हम मोटरोला के साइड में हम एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद में यहाँ से जो है बैक आ चुका है, वापस जाते हैं। मोटरोला के साइड में एंटर होंगे, ये मोटोरोला के साइड ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो है हमें मोटोरोला आइकन में क्लिक करना है, अकाउंट वाले आइकन में। तो जैसे हम अकाउंट वाले आइकन में क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है हम ये जो मोटोरोला के आईडी लॉगिन करने का है, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक बार ओपन हो जाए, यहाँ पे जो है जहाँ पे ईमेल आईडी टाइप होता है, यहाँ पे जो है हमें डबल टैप करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक बार सिलेक्ट हो गया, अब शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से मैसेजिंग बॉक्स में जाना है और न्यू मैसेज टाइप करना है, 112 टाइप कर देते हैं। एक बार न्यू मैसेज पे क्लिक करते हैं और 112 टाइप कर देते हैं, 112। अब ये टाइप करने के बाद में यहाँ से जो है हमें इसको यहाँ मैसेजिंग जो जहाँ पे टाइप करा हुआ है इस वाला आइकन में क्लिक करना है, यहाँ से जो है इसको कट करना है। यहाँ से कट करने के बाद में हमें जो है कैमरे का आइकन दिख रहा होगा साइड में, कैमरे वाला आइकन में क्लिक करना है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इमेज यहाँ से जो है हमें इमेज अटैच करना है, मतलब वॉल्यूम का डाउन की और पावर की को एक साथ दबाओगे तो जिससे क्या है एक स्क्रीनशॉट रेडी होगा, और उस स्क्रीनशॉट को क्या हमें सेंड करना है। तो वॉल्यूम के डाउन की और पावर की को एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इंटरफेस शो हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो है ये देख पा रहे हो ऐड हो चुका है, अटैच हो चुका है। अब अटैच वाले फाइल में हमें क्लिक करना है, तो अटैच वाले फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से जो है हमें ये शेयर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में इसको डाउन करना है। यहाँ से जो गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे गूगल वाला ऑप्शन में हमें जाना है। तो जैसे हम गूगल वाला ऑप्शन में जाते हैं, जाने के बाद में इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे जो है 3 डॉट वाले आइकन में क्लिक करना है और टर्म्स ऑफ सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इसमें हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसमें क्लिक करना है और इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है कंप्लीट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है गूगल आइकन में क्लिक करना है, ऐप वाले आइकन में। उसके बाद गूगल सर्च का ऑप्शन दिखेगा, गूगल सर्च में हमें क्लिक करना है। तो गूगल सर्च में हमें एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है हमें एक साइट टाइप करना है, EFRP.me। तो जैसे हम EFRP.me टाइप करेंगे तो ये एक साइड है, इसके अंदर इस साइड के थ्रू जो है हम सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। तो EFRP.me हम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में इसको जो है सेंड कर देंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये साइड शो हो रहा है, इस साइड के अंदर हमें एंटर होना है। एंटर होने के बाद में ओपन सेटिंग ऐप जो दिख रहा है, सेटिंग का आइकन, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस आइकन में हम क्लिक करेंगे, ये सेटिंग के अंदर लेके जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको डाउन करते जाना है और बैटरी यूजर्स में जाना है, बैटरी का सिंबल, और उसके बाद में बैटरी यूजर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। पहले इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद में
परसेंटेज देख लो 94% है, तो ये बैटरी यूजर्स में यहाँ पे आने के बाद कोई भी ऐप जो है फाइंड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 से 2% जो है बैटरी कम करना है, 94% है ना, तो 93% हमें ऐसे करना है। तो उसके लिए बैटरी कंज्यूम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आना है। बैक आने के बाद में जहाँ पे गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इस साइड में, तो गूगल प्ले सर्विस को में हमें एंटर होना है। गूगल प्ले सर्विस में जैसे हम एंटर होंगे, एंटर होने के बाद में साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पैटर्न मांग रहा है, तो नीचे वाले आइकन में क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे जो है ईमेल आईडी टाइप करने के लिए कहेगा, तो हमें क्या टाइप नहीं करना है, हमें जो है यहाँ पे ब्रॉन्ग चीज़ें जो है ब्रॉन्ग वर्ड्स टाइप करने हैं, कंटिन्यू 10 मिनट्स टाइप करते जाना, जिससे क्या बैटरी बैकअप कंज्यूम करने लगे, मतलब बैटरी जो है कंज्यूम होगा 1% और ऐप जो है रनिंग होंगे, मतलब बैटरी यूजर्स में जो है हमें मेन चीज है एक एंड्रॉइड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस जो है रनिंग मतलब कंज्यूम कराना है बैटरी में, इसलिए यहाँ पे ब्रॉन्ग चीज टाइप करेंगे। यहाँ पे ब्रॉन्ग चीज टाइप करने का मतलब है, एक तो बैटरी कंज्यूम होगा ही होगा, दूसरा चीज गूगल प्ले सर्विस भी रनिंग होगा और एंड्रॉइड सेटअप भी जो है रनिंग होगा बैटरी यूजर्स में। तो इसलिए जब तक 1% बैटरी लेस नहीं होता है, जब तक आपको टाइप करते जाना है। फाइनली अभी 1% बैटरी जो है लेस हो चुका है, अभी हमें बैक आना है और उस साइड में वापस जाना है। यहाँ से जो है हमें सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद में वो एक बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है, बैटरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में बैटरी यूजर्स में जाना है। यहाँ पे देख पा रहे हो 1% बैटरी जो है कम हो चुका है, अभी 2 ऐप जो है रनिंग हो रहे हैं, गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉइड सेटअप। अभी 2 ऐप पहले गूगल सर्विस में जाएंगे, जाने के बाद में फोर्स स्टॉप करना है और डिसेबल करना है। तो पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद में यहाँ पे जो फोर्स स्टॉप का जो ऑप्शन शो हो रहा है, फोर्स स्टॉप पे कर लेना चाहिए। अब यहाँ से जो मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, यहाँ पे लॉक का सिंबल जो है अभी है, तो हम पहले रिस्टार्ट करेंगे मोबाइल को, मतलब FRP का सिंबल अभी है, अभी रिस्टार्ट करने के बाद में FRP का सिंबल जो है रिमूव हो जाएगा।
देख पा रहे हो लॉक का सिंबल अभी रिमूव हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, सेम जो है स्टेप्स फॉलो करना है जो हमने स्टेप्स यूज किए थे। क्योंकि गूगल प्ले सर्विस को जब तक हम इसको एनेबल नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है ऑन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से वो सेम स्टेटमेंट वाले फंक्शन में जाएंगे, जाने के बाद में अबाउट दिस स्टेटमेंट, उसके बाद में मोटोरोला की वेबसाइट के बाद में बैक आ जाता है। मोटोरोला की वेबसाइट में हमें जाना है, अब यहाँ से जो है अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद है मोटोरोला आईडी पे साइन इन करना है। यहाँ से जो है अब हमें डबल टैप करना है लॉगिन पे और उसके बाद में शेयर कर देना है। यहाँ से जो है गूगल एसएमएस में जाना है और न्यू मैसेज टाइप करा हुआ इसमें हम सेट क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है इसको कट करना है और यहाँ आइकन में क्लिक करना है, कैमरा आइकन में, और उसको अटैच करना है स्क्रीनशॉट को। अटैच करने के बाद में क्लिक करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद में इसको गूगल जो ऑप्शन है गूगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ ये आने के बाद में थ्री डॉट में जाना है और टर्म्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद में हमें गूगल आइकन में क्लिक करना है, ऐप्स में और गूगल में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और इस साइड में हमें एंटर होना है। इस साइड से हम सेटिंग में जाएंगे। अब इस साइड ओपन हो चुका है, यहाँ से हमें जो है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में जो है वही ऐप्स में जाना है। अब ऐप्स में जाएंगे और ऑफ सी ऑल ऐप्स में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में जो है हमें गूगल प्ले सर्विस जो है उसको हमें देखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देख पर वर्क नहीं कर रहा है जिसको हम अनेबल कर सके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें जाएंगे डिसेबल। अब यहाँ से देख पा रहे हो क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब अनेबल नहीं हो रहा है गूगल प्ले सर्विस। तो हम क्या करेंगे थ्री डॉट में क्लिक करेंगे और रीसेट परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है गूगल सर्विस जो है अनेबल हो जाएगा। ये देख पा रहे गूगल सर्विस अनेबल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक बार एनेबल हो चुका है मतलब अब वर्क करेगा, तो वाईफाई नेटवर्क पेज में आना है, बैक आ जाना है पहले कंप्लीटली। यहाँ पे बैक आने के बाद में एक बार और बैक आता है, वाईफाई वाले पेज पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे जो है हमें इस पर क्लिक करना है ऑफलाइन पे और इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करना है, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये देख पा रहे हो सेटअप जो है आगे बढ़ चुका है, गूगल प्ले सर्विस आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, फिर पिन मांग रहा है, स्किप का ऑप्शन शो हो रहा है तो स्किप पे हम क्लिक करते हैं और इसमें क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है एफ आई ब्लॉक जो है रिमूव हो चुका है, इसमें क्लिक करेंगे, ये सेटअप जो है कम्प्लीटली आ चुका है। अभी देख पा रहे हो हमारा होम पेज आ चुका है। अभी हम सेटिंग में एक बार जाते हैं और इसका मैं आपको सिक्योरिटी दिखा देता हूँ। अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो मार्च 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी है।